मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हाइपेक और साइटोरिडक्टिव सर्जरी डेंजरस है। सो जब डेंजरस हम बोलते हैं तो किस लिए बोलते हैं? एक तो इसलिए कि ये प्रोसीजर से बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दूसरा इसलिए कि इसमें रिस्क ऑफ डेथ है, या तीसरा इसलिए कि रिजल्ट्स या आउटकम्स जो हैं अनप्रिडिक्टेबल हैं, क्या इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये जब तीनों पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है तो ये चीज़ को हम डेंजरस मानते हैं, सिर्फ सर्जरी नहीं, कोई भी लाइफ के एस्पेक्ट में। बट कॉन्ट्ररी टू दिस अजम्पशन कि साइंटिफिक रिसर्च में ये देखा गया है कि हाइपेक सर्जरीज के बाद भी जो कॉम्प्लिकेशंस या आउटकम्स होते हैं, कोई भी मेजर सर्जरी जैसे कि लीवर का सर्जरी हो या फूड पाइप या अन्न की नली इसोफेगस का सर्जरी हो या स्टमक का या पैंक्रियास का सर्जरी हो, उसके रिजल्ट से कॉम्प्लिकेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो एजम्पशन है कि हाइपेक डेंजरस है वो गलत है। तो फिर ये एजम्पशन आता क्यों है? तो इसके लिए थोड़े इम्पॉर्टेंट रीज़न है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हाइपेक और हाइपेक रिलेटेड सर्जरी जो है ना, ये कॉमन या मेन स्ट्रीम नहीं है। तो इसके वजह से लैक ऑफ अवेयरनेस रहना बहुत कॉमन है। अभी भी हमारे कंट्री में बहुत ही चंद गिने चुने स्पेशलाइज सेंटर में हाइपेक का ट्रीटमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं रहता है। इवन इन मेडिकल कम्युनिटी में भी हाइपेक के बारे में लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है। तो इसके वजह से एक एजम्पशन गलत तरीके से पैदा हो सकता है। दूसरा है इम्पॉर्टेंट रीज़न है लैक ऑफ एक्सपर्टीज़। सो हाइपेक एक बहुत ही नीच स्पेशलिटी है, और हाइपेक सर्जरी करने के लिए, हाइपेक ट्रीटमेंट देने के लिए ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग का ज़रूरत होता है, स्किल्स डेवलपमेंट का ज़रूरत होता है, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ लगता है। अगर आप रिसर्च में देखोगे ना, तो कई सारे ऐसे रिसर्च हैं जहाँ पे ये पाया गया है कि अगर किसी को हाइपेक में एक्सपर्ट बनना है तो कम से कम 100 केसेस की ज़रूरत होती है। तो जो इतना एक्सपीरियंस गेन कर लेता है वो एक प्रोफिशिएंट या एक्सपर्ट हाइपेक सर्जन माना जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब कोई सर्जन या कोई सेंटर में जहाँ पे ये सर्जरी या ये जो ट्रीटमेंट है ओकेजनली होता है, मतलब इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस का चांस है वो ज़्यादा हो जाता है। इससे सडनली ये जो ट्रीटमेंट है डेंजरस ऐसे इम्प्रेशन देना चालू कर देता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सर्जन वॉल्यूम या सेंटर का वॉल्यूम। अगर कोई हॉस्पिटल में या कोई सर्जिकल सेंटर में रूटीनली ये सर्जरी होता है तो यूजुअली वहाँ पे रिजल्ट्स जो, जहाँ पे इतना रूटीनली जो नहीं होता है वो हॉस्पिटल के रिजल्ट से बेटर रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी के लिए हम एक डेडिकेटेड यूनिट बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट होते हैं, प्रोटोकॉल सेट होते हैं, जो टीम है उसका एक्सपीरियंस बहुत ही हाई लेवल का रहता है। ये सिर्फ सर्जन का नहीं, जो हाईपेक के ट्रीटमेंट के लिए बाकी जो भी टीम मेंबर्स हैं, एनेस्थेटिस्ट, इंटेंसिविस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड द फेलोज विच आर इन्वॉल्व, एवरीबडी मेक्स अ डिफरेंस। तो ये हाई वॉल्यूम सेंटर्स में इनका जो एक्सपीरियंस और जो वॉल्यूम की वजह से जो इनको ये मिलता है, जो एक्सपर्टीज मिलता है, इसकी वजह से भी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया रहते हैं। कई सारे सेंटर्स के रिसर्च में ये पाया गया है कि जैसे जैसे सेंटर्स का वॉल्यूम बढ़ता है और एक्सपीरियंस बढ़ता है, रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होने लगते हैं। सो दोस्तों, हाइपेक डेफिनेटली डेंजरस नहीं है, और जब आप हाइपेक के बारे में सोचते हो तो आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि आप एक एक्सपर्ट सर्जन से ये ट्रीटमेंट लें और एक एक्सपीरियंस और हाई वॉल्यूम सेंटर से ये ट्रीटमेंट लें, ताकि जो रिजल्ट्स हैं ये प्रिडिक्टेबल रहें और अच्छे रहें। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।